कैसे हो आप सभी लोग, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं 1:10, अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से पुराना व्लॉग एडिट करने में लगा था और अभी 1:10 हो चुके हैं। और अपना जो सोआ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आज के दिन रीशेड्यूल कर लिया था उन्होंने, तो 1:30 बजे से अपना है एंट्रेंस एग्ज़ाम, 1:30 से 2:30 बजे। तो अभी फुल पावर निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम से लौट के आपसे मिलता हूँ, कैसा गया एग्ज़ाम कैसा नहीं आपको वहीं पे बताता हूँ। तो अभी तुम्हारा भाई लौट चुका है इंटरनेट कैफे से, और इंटरनेट कैफे में एक्चुअली सीन ये हुआ कि वो उनका जो एक वो जो एक डाउनलोड करने के लिए दिए थे ना सेफ असेसमेंट ब्राउजिंग, वो वाला उनका विंडोज 7 था, तो उनके विंडोज 7 में सपोर्ट नहीं ले रहा था। और मैं मैम को पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, वो मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद वो उनके विंडोज 7 में सपोर्ट नहीं ले रहा था। उसके बाद मैम कॉल की कि क्या हुआ तुम्हारा, हुआ कि नहीं वो ऐसे उसे। मैं बोला कि नहीं कुछ काम नहीं कर रहा वो, कुछ मतलब उसका एक एसएस टोकन था, एसएस टोकन मारने के बाद नीचे लिखा था स्टार्ट टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैं वही मैम को बोला कि टोकन मारने के बाद स्टार्ट टेस्ट मारने पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो मैम बोली कि देखो एक बार वो जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करो, ये वैसा वो सब मतलब प्रोसेस बताई कि बोली डाउनलोड्स में जाके उसे ये ऐसा वो क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करो। तो मुझे इतना कंप्यूटर के बारे में पता नहीं, मतलब पता था पहले जब कंप्यूटर चलाता था, अभी तो है नहीं अपने पास कंप्यूटर के लैपटॉप, तो अभी थोड़ा भूल गया हूँ। तो वो बोली कि नहीं तो तुम्हारा देखो क्रोम ब्राउज़र अपडेटेड होगा कि नहीं, अगर नहीं अपडेटेड है तो तब भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात रही कि अगर ये हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, अगर आपका वेबकैम नहीं है उस कंप्यूटर में या फिर माइक्रोफोन नहीं है तब भी सपोर्ट नहीं लेगा। तो मैं उन अंकल को भी बोला कि अंकल, तो बोले हाँ अपडेटेड है पूरा क्रोम सब कुछ ठीक ठाक है। तो अंकल जी भी बोले कि देखो इससे बढ़िया है किसी से अरेंज कर लो कोई, क्योंकि अपना भी उनका जो पीसी था वो भी बहुत पुराना मॉडल हो चुका था, तो इसी कारण शायद से वो सपोर्ट नहीं ले रहा हुआ। और मैम भी बोली कि मैं तुम्हारा एग्ज़ाम को रिशेड्यूल करती हूँ 29th को, और कभी तब तक देखो कि किसी दोस्त वगैरह से अगर अरेंज कर पाते हो तो। मैं बोला कि मैं तो घर में भी नहीं रहता, बाहर इधर कोचिंग ले रहा हूँ भुवनेश्वर में, तो अभी इतना कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह है भी नहीं अपने दोस्तों के साथ, तो थक सा गया हूँ क्योंकि धूप भी बहुत हो रहा है। तो मैम बोली देखो, मैं भी बोला ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि इसके ये तो सेट 1 है, सेट 1 के बाद सेट 2 होगा, सेट 2 मतलब वो बोली कि सेट 1 में अगर कोई नहीं दे पाया सेट 2 में दे सकता है। और रही बात इसकी कि अगर बोली कि अगर सेट 1 में सारा सीट फुलफिल हो गया तो सेट 2 नहीं करवाया जाएगा। मैं लौटते टाइम अंकल जी भी बोले कि देखो उधर पे कहीं स्टेट बैंक के पास एक इंटरनेट कैफे होगा वहीं पे कर लो, अगर वहीं पे नहीं हुआ तो और कहीं पे इधर नहीं होने वाला। तो मैं 24th को उस वाले स्टोर पे गया था तो वो बंद था, और मेरा एग्ज़ाम इसी दोपहर में रहता है, वो शायद से शाम को खुलता है और दोपहर में वो बंद रहता है, तो मेरा उसमें जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। और रही बात इसकी, अंकल भी बोल रहे थे कि एक ले लो लैपटॉप वगैरह, बाद में कभी ये रजिस्ट्रेशन अगर करना हो तो बाद में बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे, और फ़ायदा होने वाला है। और अपन भी घर में बात की इसी के रिलेटेड अपने मम्मी से, अपनी मम्मी बोली कि चलो अपने पापा से पूछ लो एक बार, तो मम्मी भी बोली प्राइस वगैरह कितना रहता है। मैं बोला कि मतलब मम्मी दुकान वकान सब देख लिया आपने और खाली पैसा भेजो मैं इधर से खरीद के ले आता हूँ। तो अपन ने अभी तक सोचा है कि कुछ YouTube वगैरह में इसके बाद सर्च करूँगा कि कौन सा बेस्ट रहता है कौन सा कैसा रहता है। अभी तक तो अपना दिल Asus ROG वाले लैपटॉप में बैठ चुका है, तो थोड़ा कुछ खरीदने से पहले YouTube में अपन लोग जैसे रिव्यू वगैरह देखेंगे, देखने के बाद अपन जाएंगे खरीदने दुकान में।
और दुकान से जब मैं लौट रहा था, मैं अंकल को बोला कि आपका फ़ोन पे नंबर दो कि फ़ोन पे मैं पे कर देता हूँ। मैं एक्चुअली दरअसल वहाँ पे आधा घंटा बैठा तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं उठ के चला जाने वाला था। अंकल को पूछा कि अंकल पैसे मतलब आपको पैसे भेज देता हूँ, आप फ़ोन पे नंबर दे दो। अंकल बोले कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं। उनको भी शायद मतलब दिल से थोड़ा मतलब क्या दया आ रहा होगा मेरे ऊपर कि कुछ तो कर नहीं पाया ये बंदा आगे, इससे कैसे पैसे मांगने। तो अंकल भी बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप जाओ और दूसरी जगह अटेम्प्ट करना उधर पे जहाँ पे बोले, और अगर उधर पे नहीं हुआ तो देखना किसी का पीसी वगैरह अरेंज करना। और अभी तुम्हारा भाई आ चुका है अपने रूम में, और रूम में हाथ दुखने भी लगा है ये मोबाइल पकड़ पकड़ के। और आज भी अपने लंच में चावल और दाल आया था, जबकि आज चावल दाल और मछली होता है, फिश करी। और जैसे बता रहे थे कि फिश करी लेट में आने वाला है, अभी आया तो देखा सिर्फ चावल और दाल ही पड़ा है, फिश करी वैसा कुछ आया नहीं है। तो देखेंगे कुछ खा लेंगे वैसा, नहीं तो बाहर से कुछ खरीद लेते हैं और खाते हैं। आपको 4 बजे मिलते हैं, क्या सीन है। मैं अभी यूट्यूब में रिव्यूज़ वगैरह देखता हूँ लैपटॉप के रिगार्डिंग, और देख के फुल सॉर्टेड प्लान पूरा फाइनल करके अपने पापा से बात करके बोलता हूँ कि रात को कि अपना डिसीजन क्या बैठा, अपने को लैपटॉप खरीदना चाहिए कि नहीं, और अगर खरीदना चाहिए तो कौन सा खरीदना चाहिए। अभी तुम्हारा भाई इतना खुश नज़र आ रहा है इसलिए क्योंकि आपको मतलब आपको तो पता चल गया होगा कहाँ टाइटल देख के। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि अपने को ख़रीदना है एक नया लैपटॉप, समझ रहे हो, लैपटॉप, जो कि अभी अपन जा रहे हैं लैपटॉप ख़रीदने, और उसकी बैक स्टोरी में भी आज आपको बता दूंगा बाद में। अभी जा रहे हैं एसोस पे एक लैपटॉप पसंद आया है, और एक लैपटॉप पसंद आया तो वही देखने अपन जा रहे हैं, तो उसकी बैक स्टोरी भी बताता हूँ। और आपको लैपटॉप के रिलेटेड भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आगे तक बने रहिए। अभी तुम्हारा भाई पहुँच चुका है दुकान में, तो पीछे दिखाऊं, ये रहा स्टोर देखो एसोस पे, और चलते हैं इधर। ऑलराउंडर थी गेमिंग टाइप रिके रही मैंने कौन जानते हो तो मैंने रॉग मैंने तो गेमिंग लुक नुए ना तो गेमिंग रिलेटेड भी टिके थी आओ माने कौन वीडियो वीडियो एडिटिंग से टाइप रो टिके थिबो अच्छे आरोजी सीरीज अच्छे रॉग आस थिबो गुड थिला एटा को तो मोरा ऊपर मोर टीचर टाइप रखे छन आरे देखो इंटीरियर ठीक करो है।